नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के बीआरटीसी सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार तीन नौजवानों को मारी टक्कर। अमृतसर के सीआईए स्टाफ की टीम ने सात नौजवानों को किया गिरफ्तार। एमपी से नाजायज हथियार लाकर पंजाब में करते थे सप्लाई। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू, 12 किलो गांजा बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के बीआरटीसी सड़क मार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन प्रशासन इन सड़क हादसों से कोई सबक नहीं ले रहा। तो वहीं गत रात्रि अमृतसर के खंडवाला इलाके के तीन नौजवान श्री दरबार साहिब से माथा टेक कर अपने घर जा रहे थे, जो कि काफी तेज रफ्तार में थे और एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। इस दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस कारण तीनों नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल उपचार के लिए दाखिल करवाया गया, जहां पर एक नौजवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि कार का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कल इधर अमृतसर अपने आ रही है, तो मोटरसाइकिल अगे ही गड्डी पिछे आ रही है, उन्होंने लिया के गड्डी मोटरसाइकिल से मारी, और गड्डी जाके बज गई। तो मोटरसाइकिल तीन जने मुंडे वो भी सट लगी तिना, उन्होंने हॉस्पिटल दाखिल कराया अपने इन्ह परिवार ने। तो बाकी है भी जी अपने दोवें चीज़ा आ रही हैं, दोवों का ही मतलब भी ये आना बनता नहीं उदा। तो बाकी है भी जो भी अफसर कहने वे बनते कार्रवाई कर देंगे। आप तीन जने बैठे जी, तिना एक हालत बड़ा सीरियस ही, हूँ अपने कहते हूँ तीजा भी ठीक है जाने के। अमृतसर के सीआईए स्टाफ की टीम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान सात नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ये सभी नौजवान एमपी से नाजायज हथियार लाकर पंजाब में सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि ये एमपी से 25,000 रुपए में हथियार खरीद कर पंजाब में 50,000 रुपए में बेचते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी नौजवानों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो नौजवानों को नामजद किया गया है, जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से नेटवर्क चलाते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये सीक्रेट ड्रग रनिंग रैकेट जिन्हों आप कह सकते हो बस्ट किया, सात अक्यूज फड़े ने और 11 वैपन फड़े गए ने, 10 पिस्टल ने 0.32 बोर दे और एक डबल बैरल 12 बोर गन है। ये जे सात अक्यूज फड़े गए उन्होंने तो जी पूछगिछ हुई है, वो जी इंपोर्टेंट गल यह है कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक क्रिमिनल का नाम आया, वो नाम है रितिक रैली, और एक कुणाल महाजन नाम का जोड़ा क्रिमिनल है वो जेल च लॉयड है। वो दोनों जने और एक यूएस बेस्ड होर फिगर होया बंदा, वह अजे नाम क्लीयर नहीं हो सकिया। सानू मध्य प्रदेश तो वैपन लैके आते डायरेक्शन होंगे सी बाहरों ऑस्ट्रेलिया तो यूएसए तो, उस तो बाद इन्हों दसिया जाता सी कि तुसी एक स्पैसिफिक जगह के उत्ते चीज़ नू वैपन नू रख के आओ, और उत्थों कौन कलैक्ट करता सी वह भी चीज़ अजे इन्हां नू नहीं क्लीयर, जिसते पुलिस इन्वैसटिगेशन कर रही है। वो काफ़ी ज़्यादा अजे इन्वैसटिगेशन डीप होर प्रोब की लोड़ है, जो असी की जा रही है, स्पैशल टीमां लाई हैं, और मैनू उम्मीद है कि आने वाले समय तुहाडा होर भी इस चीज़ा बारे असी सांझी करांगे गल, और होर अच्छी सक्सैस मिलने की सानू उम्मीद है। और ये ये फिक्र होया कि होर बॉर्डर डिस्ट्रिक्स के या होर डिस्ट्रिक्स के बंदे जड़े है वो आके उतों कलैक्ट करते रहे हैं। तुम्हें एक गल मैं जरूर शेयर करना चाहना कि बड़ा अच्छा
इनू सिग्निफिकेंट मैं मानता कि इन्ने ज्यादा वैपन अपा फड़ ले और सत बंदे फड़े गए, सारा नैटवर्क स्मैश हो गया। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो व्यक्तियों को 12 किलो गांजा सहित काबू कर अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शहर में गांजे की तस्करी करने वालों का अंतरराज्यीय गिरोह सरगर्म है, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर जाल बिछाकर शक के आधार पर दो नौजवानों को रोककर जब उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 12 किलो गांजा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद असलम निवासी उत्तर प्रदेश और मोहम्मद दानिश निवासी उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। माननीय कमिश्नर श्री स्वप्न शर्मा जी, आईपीएस कमिश्नर पुलिस जालंधर, आदित्य वारियर आईपीएस एडीसीपी जालंधर, जिन्हों की डायरेक्शन से हदायत से जो ड्रग के संबंधी अगेंस्ट लहर चलाई जा रही है, जिसके चलते इंस्पैक्टर सुरेंद्र कुमार इंचार्ज CIA ने 12 किलो गांजा इन्होंने फड़िया संत नगर लाडाली रोड के नेड़े, जिसके तहत इन्होंने 12 तारीख पुलिस स्टेशन मुकदमा दर्ज किया, जिस विच दो व्यक्ति जिहड़े गिरफ्तार किए गए। ये दोवें व्यक्ति जिहड़े उड़ीसा तो लैके आए थे गांजा, है तो इन्हें गिरफ्तार करके इन्हों का दूजा दो दिन का रिमांड हासिल किया। इस संबंधी जिहड़ी सारी पुछगिछ की जा रही है भी कित्थों लैके आए, अगे कित्थे कित्थे इन्होंने डिलीवरी देनी सी। अमृतसर के थाना तरसिका में माननीय अदालत द्वारा भगोड़ा करार दिए गए आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी जंडियाला को 2 किलो हेरोइन और 1,75,000 रुपए की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया गया था। जब इस संबंध में थाना जंडियाला में मामला दर्ज कर जांच की गई तो जांच के दौरान पता चला कि गुरप्रीत सिंह के एक और साथी संदीप सिंह उर्फ भट्टी निवासी जंडियाला गुरु के बारे में पता चला, जिसके बाद संदीप सिंह पर मामला दर्ज कर उसे 7,50,000 रुपए की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है और उसका पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। अगर इसमें किसी और व्यक्ति का नाम भी सामने आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 2 किलो हैरन फड़ हुई थी वार्ड नंबर 7 चो थाना कलचियां नो गुरप्रीत सिंह गोपी को, उदी पुछगिछ ते एक संदीप सिंह भूटी नाम का बंदा 11 वार्ड का रहने वाला जी, उदी गिरफ्तारी हुई है, उदे कोलों 7.5 लाख रुपया ड्रग मनी बरामद हुई है जी। इस तो अगे चलते हैं जी, ड्रग दे विच भगौड़े फतेह जंग सिंह पुत्र गुरमेज सिंह वासी बहता ते एक उदा लड़का महापवित्र सिंह, जिदे बारे सूचना पुलिस नूं मिली सी साडे एसी राजवीर नूं चौंकी इंचार्ज नूं ते रणजीत सिंह नूं भी इत्थे जंडियाले शहर दे विच ओह किसे दे घर पनाह लै के बैठे आ। रेड किया गया तो घर वाले जिहड़े हैगे उस घर दे मालिक हरिंदर सिंह हैप्पी उहदा परिवार ते गुरकीरत सिंह ते इह महापवित्र सिंह ते इहनां दा बाप जिहड़ा फतेह जग, इह सारे उत्थों मिले जी। 2 POA दे विच मिल गए ने, इन्हां दी गिरफ्तारी होई। फिर जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शराब तस्करी करने के मामले में 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शहर में शराब की तस्करी करने वाला एक गिरोह सरगर्म है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी ने बशीरपुरा में मेन बाजार के पास एक सेंट्रो कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें से 14 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार में सवार 2 आरोपियों को काबू कर लिया, जिनकी पहचान वरिंदर कुमार निवासी कमल विहार बशीरपुरा जालंधर और नरेश निवासी गुरु नानकपुरा जालंधर के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि इस काम में इनका एक और साथी भी शामिल है, जिसकी पहचान बलदेव सिंह निवासी कमल विहार जालंधर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक गड्डी नूं काबू किया गया, जिहदी गड्डी दे विच्चों 14 पेटियां शराब दीआं जिहड़ियां काबू कीतीआं ने, जिहदे तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस स्टेशन रामा मंडी 'च मुकदमा दर्ज किया। इहदे तहत अग्गे होर लिंक जोड़ रहे हैं भी कित्थों शराब आई सी ते कित्थे जाणी सी। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 नौजवानों को
दो घंटों में काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनके इलाके में दो नौजवानों की ओर से एक व्यक्ति से मोबाइल की लूट की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दो घंटों में ही दोनों नौजवानों को काबू कर लिया और उनसे लूट का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चोर नहीं है जी, ये स्नैचर है। एक लड़का ही हरी राम 8 तरीक दिन रात को जाते हैं अपने घर में, तो ये दो लड़के ने उन्हें को मोबाइल स्नैच किया, मोबाइल स्नैच करके भाग गए। पुलिस पार्टी जो पता लगा इन्होंने फिर घेरा पा के इन्होंने दोनों काबू कर लिया। एक का नाम लवप्रीत सिंह, एक का नाम नन्नू। अरैसट करने बाद फिर इन्होंने को जो इन्होंने मोबाइल स्नैच किया फ्लाई का, वो ही रिकवर कर लिया। केस रजिस्टर करके महान सिख जर्नेल सरदार श्याम सिंह अटारी वाला के शहीदी दिवस को समर्पित एक राज्य स्तरीय समागम उनके जन्म स्थान अटारी में करवाया गया। उनके 178वें शहीदी दिवस के मौके पर उनके पारिवारिक सदस्य और कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री धालीवाल ने कहा कि हमें ऐसे महान शूरवीर योद्धाओं के जीवन से प्रेरणा लेने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर जो श्याम सिंह अटारीवाला का बुत स्थापित किया गया है, अब उसकी संभाल का जिम्मा भी उनकी सरकार द्वारा उठाया गया है। इस मौके पर उन्होंने किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि सिख कौम के महान जरनैल जिन्हां नूं पढ़ के जिन्हां दीआं तस्वीरां देख के साडा सिर जिहड़ा मान नाल उच्चा हो जांदा, अज उन्हां दा 178वां शहीदी दिवस है। और पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ उन्हां दा ये दिन जिहड़ा अज मना रही है। जदों श्याम सिंह अटारी वाले जी की हिस्टरी पढ़ते आप तो संविधान के जी एंगलो सिखवा सी जड़ा आखिरी दम तक जी लड़ाई लड़ी सरदार श्याम सिंह जी ने सर, वह कोई मुकाबला नहीं। बहुत बड़ा और बहुत वड्डी उन्होंने सिक्ख्या लैन की लोड़ है। सो मैं इस महान जरनैल नू जड़ा अपने वालों, अपनी सरकार वालों, मान साहब वालों, मुख्यमंत्री साहब वालों जिहड़ा उह श्रद्धांजलि देना है। सो मैं समझदा कि एडे वड्डे जरनैल दे पिंड वाले उहदे परिवार वाले जो भी मंगणगे मान साहब की सरकार जिहड़ी आ उह मुहैया करवाऊगी। बीते दिनों श्रीनगर में आतंकवादी हमले के दौरान अमृतसर के कस्बा चमियारी के मारे गए दो नौजवानों के परिवारों की सहायता के लिए सरबत का भल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी और दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी डॉक्टर एसपी सिंह ओब्रॉय आगे आए हैं, जिनकी ओर से पीड़ित परिवारों की 2500 रुपए प्रति महीना पेंशन शुरू कर दी गई है, जिसके चलते फरवरी महीने की पहली पेंशन का चेक दोनों मृतक परिवारों को कस्बे के गणमान्यों की मौजूदगी में सौंपा गया। इस मौके पर गाँववासियों ने सरबत का भल्ला ट्रस्ट के नेताओं का इस पहल के लिए आभार भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दुखदाई करना बहुत वापरी है जी, पिंड वालों तो सारे इलाके वालों धन्यवाद करते हैं सरबत भला ट्रस्ट का, डॉक्टर बिर साहब का, जिन्होंने दो परिवार की 2500 पेंशन हर महीने के वास्ते लाती है जी। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है, सारे पिंड सारे इलाके निवासियों वालों बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ब्रह साहब होना का असं बहुत दिल तो धन्यवाद हाँ, क्योंकि दुख की घड़ी के उन्होंने टीम ने आ के एक तो सानू सहारा दिता और साढ़े भैन जी साई आना महीने प्रति उन्होंने जी पेंशन लाने का वादा किया और अज भी उन्होंने चैक दिता वा, तो आते भी लगातार असं इन्हों की हेल्प करा। मेरा नाम गुरिंदर सिंह है जी, पिंड चमैरी साडा। कल दो मुंडे साढ़े अतवादियों ने गोली मार के मारते ही श्रीनगर के उन्होंने जोड़े परिवार उन्होंने एस पी बराए साहब का ट्रस्ट जो सरबादा भला ट्रस्ट वालों 2500 रुपया पेंशन दोवों परिवारों की ला दी गई है जी लाइफ टाइम। असी उन्हों का तहल दिल तो पिंड वासियों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
बहुत लोड़वंद सारे इन्हों मकान भी जोड़े बहुत अजय बालिया वाले आ कच्चिया छत्त सारे इन्हों जोड़ा दूजा परिवार है मसीह भाईचारे उन्होंने भी बेटा कला कला कमाने वाला है जी उन्होंने भी कोई एडा कमाई का साधन नहीं है। सतपाल सिंह जी मेरे मामा जी लगते जी जी तो जिमें कि तुम्हें पता पिछले दो तीन पहला उन्होंने जिमें भी साढ़े परिवार न मिसहैपनिंग हुई है तो इस औखी घड़ी के साढ़े को सरबत का भला ट्रस्ट पहुँची है तो असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एस पी ओ बरोई साहब का जिन्हें डॉक्टर साहब ने कि इस औखी घड़ी इस परिवार की मांह फड़ी है कि बड़ी लोअर क्लास फैमिली है जिन्हों का तो उन्हों की एक पेंशन लगाई है कि उन्होंने जिंदगी का जिमें भी गुजारा चल सके। देखो जो अज असी चमियारी पिंड पहुंचे हैं अजनला हल्के पिंड इतने के दो नौजवान से जोड़े रुजगार की भाल में गए थे श्रीनगर जम्मू कश्मीर के परसों के रोज़ शामी जो ये पहुंचे है तो उत्थे अतवादियों ने इन्हों गोलियां मार के दोवे नौजवानों मार दिता गया इन्हों उदों बाद जो बराए साहब न सारी डॉक्टर एस पी सिंह बराए जो सरबत का भला ट्रस्ट के संचालक ने उन्होंने इस गल का पता लगा इस पिंड के साडे आगू ने मनप्रीत सिंह उन्होंने गल पचाई उतों तक सलाह हुई सारे नाल उन्होंने फिर जो हुक्म किया कि इन परिवारों दोवों परिवारों अमृतपाल सिंह रोहित मसीह इन दोवों के परिवार क्योंकि आर्थिक हालत बहुत ही वधिया नहीं गई तो इन्हों इन मातावान के नाते दोवों दिया माता के नाते उत्ते 2500 रुपया महीना हर महीने जी पेंशन जी लागू कर दी गई है। अज असी फरवरी महीने का पहले चेक जो परिवारों 2500 रुपया दे के चले हाँ। जंडियाला गुरु के बस स्टैंड की अगर बात की जाए तो सबसे पहली समस्या ये है कि यहाँ सारे शहर का कूड़ा लाकर डंप बनाकर इकट्ठा किया जाता है और ये कूड़ा करकट सारा दिन यहाँ बदबू फैलाता है और शाम को ये कूड़ा यहाँ से उठाया जाता है और अगले दिन फिर से यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। इस जगह पर आसपास बहुत ही खाने पीने की दुकानें और अन्य सामान की रेहड़ियां भी हैं लेकिन यहां गंदगी अधिक होने के कारण कोई ग्राहक नहीं आता। इसके अलावा यहां पर पीने वाले पानी की एक टंकी भी है जिसे बने 40 से 50 साल हो गए लेकिन शहरवासियों को इसका पानी एक दिन भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि ये बनते ही लीक हो गई थी। यहाँ एक सुविधा केंद्र भी है जहाँ सैकड़ों लोग रोजाना अपना काम करवाने के लिए आते हैं और बदबू होने के कारण मुंह ढक कर यहाँ से गुजरते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी समस्या है जिनका जिक्र इस खबर में आपको दिखाया गया है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। बस स्टैंड का बहुत बुरा हाल है जी। बस स्टैंड जिहड़ा वा शहर का बहुत अहम बस अड्डा वा जिहड़ी कि लोगों की सहूलत वास्ते नगर कौंसल जंडियाला गुरु वालों जिहड़ा बस अड्डा बनाया गया सी। इह बस अड्डे की एड्डी माड़ी किस्मत आ कि इह इक कमाई देण वाला पोत आ जिहड़ा कि शहर की नगर कौंसल नूं हर महीने 2-3 हज़ार रुपया बस की अड्डा फीस की परची तो कमाई दिंदा ते जे इहदी थोड़ी होर मेहनत की जाए तो यह कमाई जिहड़ी 10,000 रुपया रोजाना तक हो सकती है बस अड्डा फीस की। तो वह कमाई आ के सानूं यह नहीं समझ आउण लई कि जिहड़ी नगर कौंसल नूं कमाई हुंदी आ जदों का यह बस अड्डा बनिया करोड़ों रुपया बस अड्डा के नाम से एंट्री फीस के नाम से जी ग्रही की गई है वह बस अड्डे से खर्ची क्यों नहीं गई। बस अड्डे देखो कि जिदा गंदगी का ढेर पे आ बस अड्डी ज ये एक तो खाण पीन वाली दुकाना लगियां इतने लोग खाण पीन जे इतने आते हैं तो एक इतने गंदगी पई है। सर ये तो देखो जी गंदगी है सूँ पता कि सारे परेशान है जिन्हें भी जो लोग आ रहे हैं कम से कम काफ़ी परेशान है और बाथरूम की सुविधा भी कोई नहीं है कम से कम बाथरूम की सुविधा भी हो बाथरूम भी ओपन चीज सारा कुछ हो रहा है ये काफ़ी जन के सर सारे जिन्हें भी लागे बन्ने पिंड है वो सारे ही इसे अड्डे तो रुकते हैं वो बाहरों जिन्हें भी लोग आते गड्डिया इतने खिलार के फिर अंदर जाते हैं तो जिहड़ा भी आता है वो यही कहता कि ये बहुत ही गलत है। माघ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री शतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन 10 से 18 फरवरी तक श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। इसी उपलक्ष में श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर मंदिर की परिक्रमा करते हुए सभी भक्तों को श्री शतचंडी महायज्ञ में आने का संदेश दिया। कलश यात्रा की शुरुआत पूर्व CPS KD भंडारी श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज के कर कमलों से हुई। इस मौके पर ट्रस्ट महाकाली मंदिर के वरिष्ठ ट्रस्टी जवाहरलाल सचिव नरिंदर सहजपाल अशोक सोबती
हरगोपाल मनन, राजकिशोर शर्मा, राजगुरु हर्ष वशिष्ठ, चंदन पांडे, दुर्गेश शास्त्री ने बताया कि श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में होने वाले श्री शतचंडी महायज्ञ में यज्ञाचार्य राधेश्याम शर्मा वाराणसी वाले, उप यज्ञाचार्य राजकिशोर शर्मा, यज्ञ ब्रह्म पंडित अशोक शास्त्री, यज्ञ सहयोग पंडित चंदन शास्त्री, यज्ञ संचालक पंडित दुर्गेश शास्त्री होंगे। इस अवसर पर भूमिराज शास्त्री, कृष्ण कुंडल शास्त्री, कुलदीप शास्त्री, शिवम शास्त्री सहित भक्तजन शामिल थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मंदिर श्री बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर में 11 फरवरी से 13 फरवरी तक बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में गौ गोपाल कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें गौ भक्त चंद्रकांत महाराज विशेष रूप से उपस्थित होकर गौ गोपाल कथा अपने मुखारविंद से आश्रम में उपस्थित भक्तों को श्रवण करवाएंगे। 14 फरवरी को मंदिर परिसर में बसंत का समागम होगा। इसी उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में श्री धाम अयोध्या जी एवं जालंधर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगादास महाराज जी के कृपा पात्र एवं गद्दीनशीन महामंडलेश्वर महंत केशव महाराज की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने ध्वजारोहण करके किया। इस अवसर पर बाबा लाल जी की पालकी आकर्षण का केंद्र थी। इस शोभा यात्रा में स्टार मून पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर महंत पवन कुमार दास छोटी रुड़का वाले बाबा राज की शोर, महंत सिया शरण दास, महंत पवन दास पट्टी वाले, महंत पवन कुमार, पंडित अम्बरीश तिवारी, पंडित विपिन शर्मा, कृष्ण लाल खंडवाले, अशोक विरमानी, धर्मपाल शर्मा, राजीव वालिया, भाजपा नेता विपिन शर्मा, भाजपा नेता पंकज मल्होत्रा, राजेश बजाज, बलदेव कपूर, प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप जीत पतीला, राहुल जीत, बब्बू बजाज, साहिल सहदेव, रामपाल शर्मा, विशाल कपूर, साहिल पंडित, मुकेश सहदेव, दीपक कुमार लाडी सहित असंख्य भक्त मौजूद थे। भक्तों ने स्वागती मंच, पुष्प वर्षा एवं लंगर लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिसके पश्चात कथा की शुरुआत हुई, जिसमें सांसद सुशील कुमार रिंकू की धर्मपत्नी एवं पूर्व पार्षद श्रीमती सुनीता रिंकू ने कथा में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जब से आश्रम 1900
ਜਾਣਾ ਕੱਥਾ ਮੈਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਮਾਰੀ ਦੋ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਪਰਿਆਵਰਣ ਜੀਵ ਸਮੂਹ ਸਵਾਦ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਇਨ ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਗੋ ਮਾਤਾ, ਉਸਕੀ ਕਥਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਪੰਚਭੂਤ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਯੂ ਔਰ ਅਗਨੀ ਇਨ ਪੰਚੋ ਕੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੰਚਭੂਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਾਂ ਲੋਕਾ ਸੁਰਾਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਲਸ਼ਚ ਸਰਵੇਸਾ ਸਦਾ ਕੁਰਵੰਤੁ ਮੰਗਲਮ, ਘਰ ਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਗੀ ਕਥਾ। तो ऐसी कुछ हमारी गौ माता, इसकी कथा हमारी रहने वाली है। गौ माता के जो महिमा है, कृषि का आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, स्वास्थ्य का आधार है, हमारी गौ माता हमारी संस्कृति का आधार है। ऐसी गौ माता की गौ कथा, ये दिव्य गौ कथा मैं आज केवल एक चौपाई कहूंगा और दो चौपाई आपसे निवेदन करूंगा कि याद करें, यहाँ पर प्रतापवाद विश्राम देंगे, प्रसाद लेकर के हम जाएंगे। लेकिन आप सबने काम करना है, वो कथा विश्राम की पर बताऊंगा, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती।